show. આપનું સ્વાગત છે, ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ઉમળકાભેર અમે આપ સૌનું સ્વાગત કરીએ છીએ. માનનીય પ્રશાસક મહોદય શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે. ધન્યવાદ પ્રધાનમંત્રીજી. દીવ અને દમણના માનનીય સાંસદ શ્રી લાલુભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અતિ સન્માનીય આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું ફૂલહારથી અભિવાદન કરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે હું પ્રદેશ ભાજપ ટીમને આપણા લોકલાડીલા અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરવા વિનંતી કરીશ. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે જિલ્લા પંચાયત ટીમ દ્વારા આપણા સન્માનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરાશે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું ફિશરમેન એસોસિએશન ટીમને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું અભિવાદન કરવા નિમંત્રિત કરીશ. ધન્યવાદ. આજે મહિલા દિન છે અને દીવ મહિલા સરપંચ તથા જિલ્લા પંચાયત મહિલા સભ્યો આપણા પ્રિય અને સન્માનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને શક્તિ સ્વરૂપ ચાંદીની તલવાર ભેટ આપશે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું દીવ હોટેલ એસોસિએશન તથા દીવ ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની ટીમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણા લાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું હાર્દિક અભિવાદન કરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે હું દીવ જિલ્લાના વિવિધ સમાજોના અગ્રણીઓને ફૂલહારથી આદરણીય અને લાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરવા આમંત્રિત કરું છું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે અહીંયા ઉપસ્થિત દરેક જણ જેઓને સાંભળવા અતિ ઉત્સુક અને આતુર છે તેવા આપણા અત્યંત પ્રિય લોકલાડીલા અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને દીવની પ્રજાને સંબોધવા માટે ખૂબ નમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરીશ. ભારત માતા કી.
भारत माता की मंच पर विराजमान दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्रीमान लालू भाई और विशाल संख्या में पधारे हुए दीवी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आटलू अमथू आपड़ू नानकड़ू दीव कोई घरे रहू एवं लागत नहीं। आखो गांव अहीं आवी गयो छे। बे के त्रण दिवसना टूंका गाळामां आपे आटलो मोटो सत्कार समारंभ कर्यो, आपे आवीने मने आशीर्वाद आप्या, स्नेह आप्यो, ए बदल आप सबनो हृदयपूर्वक आभार मानू छू। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं मानता हूं कि देश की जनता को दीव एक ऐसा स्थान है जहां से बहुत ही सटीक संदेश दे सकते हैं। शायद दीव वालों को भी इसका पूरा पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। प्रशासन में जो लोग हैं उनको तो पता होगा, लेकिन सामान्य नागरिकों को शायद इसका पता नहीं होगा। हमारे देश में पुरुष और स्त्री उसकी संख्या में बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। अगर 1000 बेटे पैदा होते हैं तो कहीं पर 800, कहीं 850, कहीं 850 बेटियां पैदा होती हैं। समाज में एक असंतुलन पैदा हो रहा है और पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका अभियान भी चल रहा है। लेकिन मैं देशवासियों को भी ये बताते हुए गर्व अनुभव करता हूं, यहां के प्रशासन ने मुझे जो दीव का प्रोफाइल भेजा उसमें लिखा है कि दीव की जनसंख्या में अगर 1000 पुरुष है तो 1040 महिलाएं हैं। जहां पर पुरुषों से महिलाओं की संख्या ज्यादा हो वहां पर जाकर के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिलने का सौभाग्य मिले, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को एक नई प्रेरणा और ताकत का कारण बन सकता है। मैं दीव वासियों को बधाई देता हूं। पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशान है, चिंता हो रही है, दुनिया में बड़े बड़े समिट हो रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों से जीवन को कैसे चलाया जाए, पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण चिंतित है। विश्व के बड़े बड़े देश, बड़े बड़े महानुभाव
इसके लिए चर्चाएं करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, लेकिन पूरे विश्व को यह हमारा छोटा सा दीव एक संदेश देने की ताकत रखता है कि विश्व अभी तो रास्ता खोज रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए। यह हमारा दीव है जिसकी बिजली की खपत 9 मेगावाट है, लेकिन इसी दीव ने 10 मेगावाट से ज्यादा सूर्य ऊर्जा का उत्पादन करके एक मिसाल दिखाई है। सोलार एनर्जी का इतना बड़ा सफल प्रयोग, ये अपने आप में देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। मुझे पता चला कि परसों जब मेरा आना तय हुआ तो मुझे बताया गया कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो दीव आ रहा हूं, और स्वागत में इतनी बड़ी भारी मात्रा में लोग आना एक बात है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से आप लोगों ने गली गली में जाकर के जो सफाई अभियान चलाया है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। स्वच्छता का संदेश प्रधानमंत्री के आगमन पर उसको आपने उत्सव में पलट दिया। सब छोटे बड़े लोग सफाई कर्म में लगे थे। जब मैंने उसकी तस्वीरें देखी, मुझे मेल से भेजी गई थी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्वच्छता के इस अभियान को घर घर गली गली पहुंचाने के लिए जन भागीदारी से काम किया। सरकारी स्तर पर तो होता रहता है, लेकिन जन भागीदारी से काम किया। दीव टूरिज्म के लिए उत्तम से उत्तम जगह है। अगर दीव में स्वच्छता, इसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज हो, जीरो कॉम्प्रोमाइज, छोटा सा नगर है, आप देखिए दुनिया सिर्फ यहां की स्वच्छता देख करके टूरिज्म के लिए आकर्षित हो जाएगी। ये ताकत आपके पास है। और दीव वाले भाग्यशाली हैं, नजदीक में सोमनाथ है, गिर के लायन है, इतना बढ़िया समंदर है, टूरिज्म के लिए जो चाहिए वो सब कुछ है। और भारत सरकार भी पूरी तरह दीव में टूरिज्म के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और उसके कारण यहां के आर्थिक जीवन में बदलाव आएगा। मैं दीव के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप हर प्रकार की चर्चा सभाएं करें, जनप्रतिनिधि करें, भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन करें, चैंबर के लोग करें, उद्योग के लोग करें, क्या दीव, हमें दीव को दिव्य बनाना है कि नहीं बनाना है। हमारा दीव बने दिव्य, ये मंत्र लेकर के 2022 जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाता होगा, आप लोगों को तो आजादी देर से मिली, लेकिन हिंदुस्तान जब आजादी का 75 साल मनाता होगा, क्या हम ये दीव जो दिव्य बनने की ताकत रखता है, वहां पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने का संकल्प लेकर के चल सकते हैं क्या? संभव है। अगर एक बार आप मॉडल के रूप में 50-55 हजार की जनसंख्या वाला
हर प्रकार से सुविधाओं से संपन्न ये नगर को हम हिंदुस्तान के अंदर एक मॉडल के रूप में पेश कर सकते हैं। आज भी समुद्री तट है, वर्षा बहुत कम होती है, पानी की किल्लत है। गुजरात सरकार के साथ जो करार हुआ उसके हिसाब से मां नर्मदा का पानी यहां घर घर पहुंचने वाला है। लेकिन भाइयों बहनों, हम समुद्री तट पर रहने वाले लोग हैं, कम पानी में गुजारा कैसे करना ये हम सदियों से सीख करके आए हैं। अगर पोरबंदर में महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर जाएं, तो मैं वहां पर लोग पहले जाते रहे, गांधी जी का यहाँ जन्म हुआ वगैरह देखते थे जब मुख्यमंत्री था, तो मैंने कहा यहाँ एक चीज और दिखाने जैसी है, वो आने वालों को दिखाइए। हमारे दीव में भी अनेक घरों में है वो, मैंने देखा हुआ है, मैं पहले यहाँ बहुत आता था। पानी के भूगर्भ में संग्रहालय टैंक करीब करीब समुद्री तट के हर घर में होते हैं। वर्षा का पानी होता है वो नीचे उतार करके संभालते हैं, साल भर वो पानी काम आता है। दीव में भी है ना, पानी संचय की परंपरागत पद्धति। वर्षा का एक बिंदु पानी भी हम कहीं जाने नहीं देंगे। आप देख लीजिए, दो तीन इंच बारिश हो जाए तो भी कभी भी आपको गुजरात से नर्मदा पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पानी अपना खुद के पास हो जाएगा। मैं चाहूंगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक अभियान चले दीव में, और एक नमूना रूप काम ये हमारा दीव करवा के दें। दूसरा काम वाटर रिसाइकल, जो गटर में पानी निकलता है, सीवरेज में निकलता है, उसका रिसाइकल करना, और टेक्निकल पद्धति बड़ा आधुनिक लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पद्धति से भी होता है, और वो पानी हमारे खेतों में काम आए, बगीचे में काम आए, ये जैसे गार्डन बनाया है छोटा सा इस पर काम आए, हरियाली के लिए काम आए, आप देखिए कितना पानी बच जाएगा। जो दीव देश को बेटियों के मुद्दे पर दीप बन करके, दीव दीप बन करके प्रकाश पथ बता रहा है, वो दीव सोलर एनर्जी से देश को दीपक की तरह प्रेरणा दे रहा है, वही दीव जल संचय के विषय में, वेस्ट टू वेल्थ के संबंध में भी एक बहुत ही उत्तम काम करके दिखा सकता है। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने समुद्री तट के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत 8,00,000 करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश से हमारे सभी समुद्री तट के वहां इंडस्ट्रियल जोन बने, वहां स्मार्ट सिटी बने, वहां टूरिज्म सेंटर बने, वहां मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बने, वहां पर ऐसे क्लस्टर तैयार हो जहां नया स्किल डेवलपमेंट का काम हो। हमारे जो जहाज आते हैं कभी कभी 3 दिन तक खाली नहीं होते हैं, वो कम से कम समय में खाली होकर के वापिस कैसे चले जाए। हमारे समुद्री तट की जो व्यवस्थाएं हैं वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कैसे हो, इन सारे विषयों पर काम पूरे देश में लगातार हम कर रहे हैं। मछुआरों के लिए मेरे छोटे छोटे गरीब फिशरमैन, उनके लिए भी हम एक योजना तैयार कर रहे हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्रफुल्ल भाई को, लालू भाई को दे दीजिए, जो समिति काम कर रही है वो भी इस पर विचार करेगी। करीब करीब तैयार हो चुका है, फाइनल ड्राफ्ट हो रहा है। एक ऐसी योजना हम ला रहे हैं गरीब मछुआरों के लिए,
आज गरीब मछुआरा बहुत दूर तक जा पाए, इतनी छोटी बोट है उसके पास, थोड़ी बहुत मछली पकड़ता है, आता है, एक दिन का गुजारा हो जाता है, बेचता है, कमाता है, बच्चे खाते पीते हैं। भाइयों बहनों, दीव ऐसा बन सकता है कि गरीबी की रेखा के नीचे एक भी परिवार न रहे, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ सकता है। और इसलिए भारत सरकार पूरे देश के मछुआरों के लिए एक योजना बना रही है। योजना क्या है? इस योजना का लाभ कोई बिचौलिया नहीं ले पाएगा। मछली का व्यापार करने वाला नहीं ले पाएगा, कोई राजनेता नहीं ले पाएगा, व्यापारी उद्योगपति नहीं ले पाएगा। ये योजना ऐसी है जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ माछी मार ही ले पाएगा और कोई नहीं ले पाएगा। और इसलिए मान लीजिए 5 गरीब माछीमार एकत्र हो जाए, एक छोटी सी मंडली बना दें, रजिस्ट्रेशन करवा दें, अपनी तरफ से 15,000, 20,000, 25,000 रुपया जो लगा सकते हैं लगाएं, मुद्रा योजना के तहत 1 करोड़ रुपये तक की उनको लोन मिलेगी, भारत सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी और उनको बड़ी आधुनिक बोट दी जाएगी ताकि वो 12 नॉटिकल माइल तक उससे भी आगे जाकर के, क्योंकि छोटी नाव है यही किनारे पर बेचारा जाके आता है, मछली मिलती नहीं है, 12 नॉटिकल के बाद जहां सबसे ज्यादा मछली होती है, मछली लाना सरल होता है, मेहनत कम होती है, और बोट भी ऐसे हो जिसमें रेफ्रिजरेटर की, ठंडाई की, बर्फ की पूरी व्यवस्था हो, और जब आकर लेकर के आ जाए तो 5 लोगों की कमेटी भी, अकेले अकेले कमाते थे उसके कारण 50 गुना 100 गुना 10 गुना 20 गुना कमा सके, ऐसी मछुआरों के लिए योजना का मेरा कागज तैयार हो रहा है। अभी भी कोई सुझाव है तो हम डालने वाले हैं और कुछ ही महीनों में ये योजना हम लागू करेंगे। ये सीधी सीधी गरीब मछुआरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों के लिए मैं कर रहा हूं। इसका लाभ दीव के मेरे भाई बहन रहे। भारत सरकार का सपना है 2022 आजादी के 75 साल हो, शहरी गरीब हो या ग्रामीण गरीब हो, एक भी परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। हम उसे घर देना चाहते हैं। दीव चाहे तो हिंदुस्तान का पहला ऐसा इकाई बन सकती है कि जहां एक भी व्यक्ति बिना घर का नहीं हो सकता। भारत सरकार पैसे देने के लिए तैयार है, प्रशासन इसको लागू करे, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरा बेईमानी के खिलाफ बड़ा झगड़ा है भाई, इसलिए तो मुझे नोटबंदी करनी पड़ी, 500 1000 गए, और जिन्होंने लूटा है वो मुझे गरीबों को लौटाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर इस देश के गरीब को ताकतवर बना दिया जाए, इस देश के गरीब को ताकत दी जाए, तो गरीबी यहां से ऐसी भागेगी जो कभी रुककर वापस नहीं आएगी भाइयों। और इसलिए हम गरीब को ताकतवर बनाने की योजनाएं लेके चल रहे हैं, और गरीब भी मुफ्त का नहीं मांगता है, वो मेहनत की का मौका चाहता है, मेहनत का अवसर चाहता है।
और हम भी उसी प्रकार से गरीब को लाभ मिले उस दिशा में काम करना चाहते हैं। हमारे नौजवान को रोजगार मिले, हमारी माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो, अनेक प्रकार के उद्यम विकसित हो, उन बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, एक प्रकार से पूरा गांव मेरे सामने आज मौजूद है, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रशासन का अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से दीव में बदलाव ला रहे हैं हमारे प्रफुल्ल भाई ने, जो अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, उनके पास कल्पकता भी है, परिश्रम भी करते हैं। ये ठीक है, कुछ लोगों को परेशानी होती होगी, लेकिन बहुत दिन मजा कर लिया, अब कुछ अच्छा करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, समय मिला है हमारे दीव को एक दीप की तरह, देश को प्रकाश मिले ऐसा बना दें, हमारे दीव को हम दिव्य बना दें, हम जीवन में एक नया आनंद लें, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री, आपनो खूब खूब धन्यवाद। आपे आपना व्यस्त कार्यक्रममांथी खास दीव अने तेना प्रजाजनों माटे समय फाळव्यो अने पधार्या, अमारू अहो भाग्य, अमे हृदयपूर्वक आपनो धन्यवाद करीए छे।